जब आपका मिशन स्टेटमेंट बन जाती है, एंड बाय द वे ईच वन ऑफ दिस मॉड्यूल इज इटसेल्फ इट्स एन इंटरवेंशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एज कंसल्टेंट्स. इफ यू नो इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर आस्क्ड टू यू नो डेवलप अ विजन स्टेटमेंट, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस. सो हम इसको सिर्फ अभी टच एंड गो कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम इसको विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट के टॉपिक को नहीं कवर कर सकते. देन दिस इज द कोर एरिया, और ये एक ऐसा एरिया है जो आप लोगों के लिए भी समझना इज वेरी कन्वीनियंट. जब आपके पास 2 से 5 साल का ऑर्गेनाइजेशन मिशन बन गया, देन दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक एरियाज. हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमिन कि ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन अचीव कर रही है या मिशन अचीव करने की तरफ प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही. सो दीज आर द फैक्टर्स, वी से दीज फैक्टर्स आर वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड हाउ इज द सक्सेस डिफाइंड? थ्रू द मिशन स्टेटमेंट, कि मिशन अचीव हो रहा है. मिशन अचीव कैसे हो रहा है? अगर ये फैक्टर्स विच आर कॉल्ड एज CSFs, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, एंड वी से वी आर डूइंग गुड ऑन द CSFs, देन वी से यार द ऑर्गेनाइजेशन मिशन वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एज डिफाइंड बाय द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और फिर नेक्स्ट सवाल आ जाता है नंबर्स पे, राइट अब CSF पे अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? उसके लिए वी नीड टू हैव सम नंबर्स, और वो नंबर जो है उसको हम आई थिंक इस चीज से तो आप सब फेमिलियर, द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. ये KPIs जो है ये क्वांटिफाई कर देते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सक्सेस फैक्टर्स को, ऑब्वियसली वी डोंट यू नो डिफाइन हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस फैक्टर्स, दीज आर द क्रिटिकल वंस. हिटिंग ए गुड नंबर, एक KPI फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल KPI क्या हो सकता है? ऑर्डर्स बुक्ड, रेवेन्यू, नेट सेल्स, gross margin, net profitability, net sales, and so on. Right? Human capital का कोई KPI क्या हो सकता है? Number of employees, let's say retained, retention index. That could be a KPI for human. पास तो अब ऐसे tools और instruments available हैं जिससे आप थोड़ा सा morale भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन भी जज कर लेते हैं. एंड वो ये सारी चीजें वो जो हम लेट्स से सॉफ्टवेयर पार्ट वाले एरिया में कवर करेंगे. बट आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि हम KPIs वो नंबर्स होते हैं एंड दोज नंबर्स हैव गॉट सर्टेन टारगेट्स, राइट? लेट्स से ऑर्डर बुक हैज टू बी एक्स मिलियन रुपीज, सो दैट्स उसमें फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती. इट्स वेरी सिंपल, देयर इज अ नंबर सिंपली डिफाइंड, हैज टू बी अचीव्ड, देयर इज अ मेथड how to calculate that you know number and hit that number. You hit the number, hit the threshold, that relates to your good performance on a certain critical success factor, and that shows that you are heading towards the right direction defined by the mission. Ab aap ye numbers kaise hit karenge? You want to hit a good number, you know, 90% net sales, yani jitne aapne orders बुक कर लिए उसमें से 90% का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी करना चाह रहे हैं, यू हैव रियलाइज्ड द सेल्स, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? कोई पीछे प्रोसेसेस होंगे, कोई फ्रेमवर्क होगा ना, कोई प्रोसेस बेस्ड एक ऐसा मैकेनिज्म होगा. आपके सेल्स का मैकेनिज्म है, आपके लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, देन योर डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, योर सर्विसेज पीपल, दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वंस द रेवेन्यू इज बुक्ड, लेट्स से यू गेट द ऑर्डर, PO, यू हैव द परचेज ऑर्डर इन योर हैंड, then to make sure that out of that order, you know, let's say a certain percentage of revenue has to be invoiced to the customer. Uske liye puri organizational machinery piche kaam kar rahi hai, jisme sales ke log hain, jisme operations ke log hain, services ke log hain, logistics ke log hain, finance ke log hain, and so on. So this means that the next step which is going to ensure that the KPIs targets are hit और मैट BPR आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, फिर री इंजीनियरिंग होगी, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ऑल दोज यू नो बज़वर्ड्स. और अगेन आप देख रहे हैं तो क्रिटिकल की यू नो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड अगेन कोर प्रोसेसेस.
तो इसका मतलब है कि आपके पास उसके नीचे कुछ प्रोसेस फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो प्रोसेस फ्रेमवर्क ऐसा हो कि आपके सेल्स के प्रोसेसेस, डिलीवरी के प्रोसेस, वो ऑल योर मशीनरी, उसके प्रोसेसेस आप ऐसे डिफाइन करें सो दैट यू हिट द केपीआई टारगेट्स, सो दैट यू आर परफॉर्मिंग गुड ऑन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सो दैट यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एज डिफाइंड बाय द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? अब इसमें हम बहुत सारे यू नो कमेंट्स कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि विजन और मिशन क्या फॉर्मली डिफाइंड होता है या नहीं होता? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। होता है, जनरली होता है, राइट? अब ओवर द पास्ट 10 ईयर्स अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कम से कम विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, कोर वैल्यूज, इस तरह की चीजें एचआर वगैरह एक सेशन करते वो बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स में वो विजन और मिशन पेनिट्रेटेड होता है या नहीं होता? सवाल है ये, राइट? एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि जिससे मैंने कहा विजनेरिंग इज इटसेल्फ एन एरिया विच नीड्स एन इंटरवेंशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आमतौर पे आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि जो टॉप लीडरशिप है, लीडरशिप का काम है विजन को एटलीस्ट इवॉल्व करना, उस विजन का फ्रेमवर्क बनाना कि किसके इर्द-गिर्द इवॉल्व करता है। लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, द वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव बीन finding it more useful to involve people, get their feedback to formalize the vision statement. Although they give direction, as you said, somebody conceived the organization with certain mind. There is a board, there are a few stakeholders who create the entity. But then collaborative visioneering is something which has also been now practiced in the organization. उससे होता क्या कि आप बता देते हैं कि हमने लेट से ये हमारा डोमेन है, इसमें हम काम करना चाहते हैं, लेकिन यू नो मल्टीपल सेशंस, मल्टीपल ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, उसमें आईटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फेस टू फेस सेशंस भी होते हैं, वेयर यू नो यू कीप गेटिंग आइडियाज। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट होता ये है कि यू नो यू स्टार्ट पिकिंग वर्ड्स, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आप करते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करना चाहते हैं, एंड देन यू नो पीपल स्टार्ट गिविंग आइडिया, एंड देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग वर्ड्स, and then after connecting words you start coming up with sentences, aur wo jab sentences is process ke through bande, and somebody would agree, somebody would say no ye to nahi hona chahiye, this is too, let's say too nice to be used in the vision statement, we are a profit making organization, why are you being so soft, somebody will say that, somebody will say nahi ji isme koi aisa bhi element hona chahiye vision statement mein that we give back to the society, we are earning some revenues, hamara koi is tarah ka soft image hona chahiye that we contribute back to the society। तो यू नो ये कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म भी होता है। सो उसके बाद जो फिर विजन स्टेटमेंट डेवलप, बिकॉज दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विजन स्टेटमेंट अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं एचआर डिपार्टमेंट में लीडरशिप टीम जो सी लेवल होती है कहीं ना कहीं उनके पास होती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो पेनिट्रेटेड होती है, वेल अंडरस्टूड, ओन्ड बाय ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, या वो जो हम कहते हैं कार्रवाई के तौर पे उसे लिया जाता है, उसको लिव करना पड़ता है ना। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डिसीजंस, योर स्ट्रेटजीज आर अलाइंड देन विद दैट विजन। और अगर ये वाला केस है जिसमें आप कह रहे हैं कि विजन दे दिया गया, अगर विजन सिर्फ दे दिया गया तो मजीद मुश्किल हो जाता है उसको ओन करना, अनलेस कि देन देयर इज अ फॉलो अप मैकेनिज्म, पूरी एक मशीनरी उसको फॉलो अप करती है थ्रू कम्युनिकेशन to explain to each level in the organization, because instruments to wahi hain jo organization mein log kaam kar rahe hain aur hum keh rahe hain ki wo willingly kaam kare, right? You will tell to both the gentlemen that this is my vision, I want to create this company, this is my like long term, where do I see this company in the long run,
that I'm I would like to be a sole largest player of insurance, let's say, since I am from the insurance company. Okay. So because of that,